Good morning, students. I am Dr. Preeti Gupta, Associate Professor, Department of Zoology, Government College, Kurukutli. अब हम यूनियों का तीसरा भाग यानी रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे. सो अब देख लेते हैं नर्वस सिस्टम. यूनियों का नर्वस सिस्टम आपके कोर्स में डिसेक्शन में भी है और डिटेल में हम पढ़ते हैं इसके बारे में. इसका रिड्यूस्ड होता है नर्वस सिस्टम क्योंकि ज्यादातर सेडेंटरी लाइफ जीता है. सो गैंग्लियाज होते हैं, कमिशियर्स होते हैं, कनेक्टिव्स होते हैं और नर्व्स होते हैं. गैंग्लियाज कौन कौन से होते हैं इसमें? सी, गैंग्लिया ज्यादातर पेयर्ड होते हैं और तीन की संख्या में पाए जाते हैं. कौन कौन से गैंग्लिया? सेरेब्रोप्लूरल गैंग्लिया, पीटल गैंग्लिया एंड विस्ट्रल गैंग्लिया. कमिशियर्स कौन से होते हैं? दो कमिशियर्स, ट्रांसवर्स लूप लाइक नर्व और सेरेब्रल कमिशियर्स. कनेक्टिव्स दो डिससिमिलर कमिशर क्या होते हैं? जो दो सेम गैंग्लिया को कनेक्ट करते हैं उन्हें हम कमिशर कहते हैं. और कनेक्टिव जो दो अलग अलग गैंग्लिया को जोड़ते हैं ये कनेक्टिव्स कहलाते हैं. तो ये आपको अंतर भी मैं डायग्राम में भी समझा दूंगी कि गैंग्लियोन्स तो आउटग्रोथ्स होती हैं और जो कि नर्वस सिस्टम को फॉलो करती है. दो गैंग्लियोन्स को जोड़ते हैं कमिशर्स और दो अलग अलग गैंग्लियोन को जोड़ते हैं कनेक्टिव्स. और नर्व्स जो है वो सप्लाई करती हैं ऑर्गन्स को. So, this is the diagram. See, ये जो ब्लैक आउटलाइन है ये इसका पूरा नर्वस सिस्टम है, काले से जो दर्शाया गया है. सो ये माउथ है. माउथ के चारों ओर ये पाया जाता है, दोनों तरफ पाए जाते हैं सेरेब्रल गैंग्लियन्स. ठीक है, और ये क्योंकि ये भी सेरेब्रल गैंग्लियन है और ये भी सेरेब्रल गैंग्लियन है, दोनों एक ही समान के गैंग्लियन हो तो इनको जो जोड़ रही है नर्व इसको कहते हैं सेरेब्रल कमिशियर. ठीक है, दूसरा इसका है यहाँ पर ये विसरल गैंग्लियन. तो सेरेब्रल गैंग्लियन और विसरल गैंग्लियन को जोड़ रही है ये तो कनेक्टिव कहलाएगी सेरेब्रो विसरल कनेक्टिव. सिमिलरली इधर भी सेरेब्रो विसरल कनेक्टिव. ये पीडल गैंग्लियन्स हैं, तो फुट में जा रहे हैं इसलिए पीडल गैंग्लियन दो जोड़ी हैं, तो ये अगेन सेरेब्रल गैंग्लियन और पीडल गैंग्लियन, तो क्या होगा सेरेब्रो पीडल कनेक्टिव. सिमिलरली सेरेब्रो पीडल कनेक्टिव. ठीक है, और लास्ट में ये विसरल मास होता है. ये इसका सिंपल सा रिड्यूस्ड सा नर्वस सिस्टम है. ये वो जो मैंने आपको डायग्राम बताया वही है. ये सेरेब्रल गैंग्लियन्स, ये सेरेब्रल कमिशर, ये विसरल गैंग्लियन, सेरेब्रो विसरल कनेक्टिव्स, ये सॉरी पीटल गैंग्लियन, सेरेब्रो पीटल कनेक्टिव, ये विसरल गैंग्लियन, तो सेरेब्रो विसरल कनेक्टिव. सेंस ऑर्गन्स यूनियो में काफी सारे सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं. पहला है ऑस्फोरिडियम. ऑस्फोरिडियम मेंटल में पाया जाता है. ये येलो कलर का सेंसरी सेल ऑर्गन होता है, विसरल गैंग्लियन के पास पाया जाता है और किमोरिसेप्टर होता है ऑस्फोरिडियम, क्योंकि ये वाटर की क्वालिटी को चेक करता है. सेकंड स्ट्रक्चर है स्टेटोसिस, जिसका डायग्राम यहाँ दिखाया गया है. ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें काफी परतों का बना होता है और अंदर स्टेटोलिथ पाया जाता है. ये पीडल गैंग्लिया के पास पाया जाता है स्टेटोसिस्ट, और सेरेब्रोपीडल कनेक्टिव यहाँ पर अगर मिलता है ये इक्विलिब्रियम यानी यूनियो को तैरते हुए बैलेंस बनाने में मदद करता है. फिर इसके पास टेक्टाइल सेल्स पाए जाते हैं यानी टच फंक्शन को ये फील महसूस कर सकता है. एज ऑफ मेंटल एंड फिम्ब्रे ऑफ इनहेलेंट साइफन, यानी ये जो टेक्टाइल सेल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मेंटल के एज पे यानी किनारे पर और इनहेलेंट साइफन के पास. इसके बाद फोटोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं साइफन्स की मार्जिन पर जो कि लाइट की के प्रति संवेदनशील होते हैं. रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूनियोडायोशियस होता है, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, कोई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ऐसा सच नजर नहीं आता. गोनाड्स में मेल में टेस्टिस पाई जाती है जो कि वाइट कलर की होती है, वेज डिफरेंस में खुलती है और एक्सक्रीटरी पोर में ओपन होती है. फीमेल में लाल से रंग की ओवरी पाई जाती है जो कि छोटी ओविडक्ट में खुलती है और सुप्रारेक्टल चैम्बर में खुलती भी एक्सक्रीटरी पोर पे खुल जाती है. सो दिस इज द डायग्राम. हियर यू कैन सी टेस्टिस एंड हियर यू कैन सी ओवरी. लाइफ साइकिल, मेल मसल रिलीजेस देयर स्पर्म इनटू द वाटर एंड फीमेल मस्ट
siphon the sperm to internally fertilize its egg. Female then stores thousands of eggs on her gills from 1 to 10 months under the larva of mussel called Glochidia, fully developed. पहले तो क्या होता है इनमें internal fertilization होता है. Male mussel अपने sperms को पानी में छोड़ देता है और females उन sperms को siphon करके अपनी body में अंदर ले लेती है और eggs को fertilize करती है. फिर अपने eggs को अपने gills के पास store करती है 1 से 10 महीने तक और 10 महीने के बीच में 1 से 10 महीने के आसपास 10 महीने बाद छोटे छोटे लार्वा ग्लोचिडिया डेवलप होके निकलते हैं. दे डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू अंडरगो इट्स फुल रिप्रोडक्टिव साइकिल. किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं अपने रिप्रोडक्शन करने में. सी यहाँ पर ये देखिए फीमेल है ये. मेल यूनियो ने स्पर्म्स को रिलीज कर दिया. फीमेल यूनियो के साइफन से ये स्पर्म्स फीमेल के अंदर आ गए. यहाँ पर एक ब्रूट सैक बन जाता है. ब्रूट सैक कंटेनिंग डेवलपिंग एग्स. दिस इज द ब्रूट सैक कंटेनिंग डेवलपिंग एग्स. जब वो फुल डेवलप हो जाते हैं तो ये बॉटम पे चली जाती है. मतलब जो भी पानी की बॉडी है उसकी जो सतह है धरातल है उस पर चला जाता है. उसके बाद ग्लोचिडिया रिलीज होते हैं. ये ग्लोचिडिया जो है ये फिशेस के एक्सटीरियर से चिपक जाते हैं सॉफ्ट एक्सटीरियर पे और गिल्स में एंटर कर जाते हैं. वहां पर ये सिस्ट बना लेते हैं और इनक्लोज रहती है अनफेवरेबल कंडीशंस में. और फिर जब सिस्ट टूटती है तो ग्लोचिडिया टूटते हैं मैच्योर होके बाहर फिश की बॉडी से निकल जाते हैं. तो ये जो यूनियो है वो अपनी लाइफ साइकिल में फिश पे डिपेंड करते हैं. फिश के गिल्स में जाकर सिस्ट का फॉर्मेशन होता है और ग्लोचिडिया का निर्माण या मैच्योरिटी या मेटामॉर्फोसिस होती है. सी दीज आर द स्टेजेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ ग्लोचिडिया. सी दिस इज दी शेल ऑफ द वॉल्व. यहाँ पर आप ये देख सकते हैं बाइसेस है, प्रोविजनल बाइसेस थ्रेड है. दीज आर प्रोविजनल बाइसेस थ्रेड और ये इसका फुट है और ये रूडिमेंट्स ऑफ गिल्स है. तो ये जो है एक्सेलेंट इनहेलेंट साइफन्स है. ये जो मैंने आपको भी डायग्राम बताया उसी का है कि ग्लोचिडिया ये ब्रूट सैक है. ब्रूट सैक से निकलते हैं बाहर डिस्चार्ज होते हैं ग्लोचिडिया. फिश के गिल्स में चिपक जाते हैं और वहां पे सिस्ट का निर्माण करते हैं. और जब सिस्ट रहते हैं काफी टाइम तक और फिर सिस्ट जब टूट जाती है तो यंग क्लैम्स या ग्लोचिडिया लार्वा निकल आते हैं. ग्लोचिडियम लार्वा इज एन एक्टोपैरासाइट ऑन फिश until they find a fish to serve as a host for up to 4 weeks. मैंने आपको बताया कि ग्लोचिडिया 4 हफ्ते तक फिश की बॉडी में गिल्स की तरह गिल्स में रहते हैं. These are the diagrams of Glochidium larva. See, it has a shell, sensual hair, adhesive hair और कुछ इस तरह से V आकृति का है. ये देखिए इसका लाइफ का डायग्राम है Glochidium larva का. Glochidia attached to the gills of the fish where a cyst is formed and the larvae are safe and able to feed without harming the fish until they are fully developed and break through the cyst and fall to the sea water. यानी जब तक वो पूरे develop नहीं हो जाते cyst में fish के gill के नीचे दबे रहते हैं. fish को इससे कोई हानि नहीं होती और जब वो पूरे develop हो जाते हैं तो cyst टूट जाती है और sea की सतह पे bottom पे ये गिर जाते हैं. Economic importance of union is that they can be used for food. Aquaculture में use होते हैं, food की तरह खाए जाते हैं, ornamental value है. Thank you.